हाय एवरीबॉडी, आज है सैटरडे और आज मैं यहीं लंदन में हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा घुमा फिरा जाए और थोड़ी सेल्फ केयर की जाए। मैं अभी ट्राई करूँगी कि मुझे अपने नेल पेंट कराने की अपॉइंटमेंट मैंने नहीं ली है, तो आई मीन वॉक इन में वो कर दें। मैं देखती हूँ, अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मैं वो नहीं करवा पाई तो आज मैं फिर डायरेक्टली जाऊँगी बोरो मार्केट। हाय एवरीबॉडी, तो आज ऐसा है और बड़ी कमाल की धूप निकली हुई है। आज बहुत ही प्लेजेंट दिन है, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर दिन है, मज़ा आ रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो वेदर इतना अच्छा है तो थोड़ा वीकेंड का फ़ायदा उठाया जाए और थोड़ा सा सेल्फ केयर पे ध्यान दिया जाए। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने नेल्स करवाने के लिए। मुझे नहीं पता कि वो मुझे एंटरटेन करेंगे कि नहीं, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया पहले से, बट होपफुली कर देना चाहिए। तो मैं अभी वहाँ जाती हूँ नेल सैलून में और देखती हूँ कि मेरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है जेल नेल्स। वैसे मैंने आज ये टॉप पहना है और ऊपर मैंने ये डेनिम जैकेट पहनी है, बट जब धूप रह रही है तो मुझे लगता है कि डेनिम जैकेट की भी ज़रूरत है। आई थिंक सिर्फ टॉप में भी बहुत अच्छा लगेगा, बट आई थिंक डेनिम जैकेट पहनना ठीक है, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी हवा चल रही है और कुछ कुछ ऐसे टाइम होता है जब सूरज जो है वो बादलों के पीछे छुप जाता है और फिर ठंडी हवा एकदम से आपको लग जाती है। तो ऐसे में अगर आपने डेनिम जैकेट, एक पतली सी डेनिम जैकेट पहनी हुई है लंदन में, तो आपको ठंड नहीं लगेगी, बट अदरवाइज़ अगर आप एकदम से ही टी शर्ट्स में घूमना स्टार्ट कर देते हैं तो कई बार आपको ठंड लग जाती है कि यहाँ पर एकदम से वेदर चेंज हो जाता है। दिस इज़ द नेल स्टूडियो जहाँ मैं अभी जाने वाली हूँ, और मैं जाके पता करती हूँ कि मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो मैं कुछ कुछ स्नैपशॉट्स देखूँगी कवर करके, अगर हो पाए तो। बट लेट्स सी। So guys, it was not really busy and I got to get my nails done, and here's how they look. See? Nice. So this was my first time getting my nails done, and you can have a look how beautiful they are looking right now. And this entire experience of getting my nails done, the gel nails, they are called shellac, or ye pura experience mujhe 22 pounds ka pada hai. कन्वर्ट करना मैंने छोड़ दिया है, बिकॉज़ अगर मैं हर चीज़ को कन्वर्ट करती रहूँगी तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं इन्जॉय कर पाऊँगी। यहाँ पर हर चीज़ महंगी है, तो उसके हिसाब से आई थिंक अगर मैंने दो महीने में या एक महीने में एक बार अपने ऊपर 22 पाउंड्स खर्च कर भी दिए तो नॉट अ बिग डील गाइज, राइट? तो ये मेरा फाइनल नेल्स का लुक है। एक बार और आप देख सकते हैं, अभी धूप आने वाली है। सी, सो 22 पाउंड्स में ये वर्थ इट है या नहीं, मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। और इस गेटअप के लिए उसने आई थिंक 3 कोट लगाए हैं और साथ में जेल का कुछ और बहुत सारा कुछ लगाया था। सो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि ये वर्थ इट एक्सपीरियंस रहा
या नहीं आपको लगा कि पैसा वेस्ट हो गया तो वो भी बताइए. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करिए वीडियोज़ मेरे.